वंस अगेन गुड मॉर्निंग गाइस, और यहाँ का आज फर्स्ट डे, लेट मी स्टार्ट इट। और सुबह मॉर्निंग पे हम उठ चुके थे 6 बजे, बट उस टाइम पे हम वीडियो बना नहीं सके, तो अभी जस्ट ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। अभी आए हैं हम थोड़ा सा घर से थोड़ा सा नीचे पे, यहाँ पे एक दुकान है यहाँ पे जिसमें हम कुछ मैगी वैगी कर खा के ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आज कहाँ जाने का प्लान बनता है। सो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए ब्लॉग के साथ। हेलो गाइस, नई सुबह, नया ब्लॉग, और हम हैं सिरखा गांव में, और अभी रुके हैं एक दुकान के पास मैगी खाने के लिए। मैगी खाने के लिए अभी बहुत सारे भाई लोग यहाँ पर को पहुँच चुके हैं। ये है सोहन भाई, ये है हमारे मंगल भाई ब्लॉक के, क्या बोलते हैं, और इसके तो भैया रहते हैं ना इसमें, और ये नाम राशि मंगल भाई जी, ये हमारे मामा जी, और ये है सब मामा के आदमी, और ये है सारे मामू के आदमी, फगुनिया का, और यहाँ पे है वो शॉप जहाँ पे अभी हम मैगी का स्टार्टअप कर रहे हैं और मैगी खाने के लिए वेट कर रहे हैं। और घरों के डिज़ाइन काफ़ी पौराणिक और काफ़ी पुराने सदियों के हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देख के कि अभी भी ऐसी नक्काशी और ऐसी कलाकारी देखने को मिल रही है हमें। तो लेट्स सी, अभी हम निकल रहे हैं थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए सिरखा गांव को, और मामी हमारी जो यहाँ की मूल निवासी है, हर गांव में होता है, और हमारे पास एक गाइड और है जो हमारी कंदाली मामी है, जो 12 साल में होता है, छोटी मामी से कुछ भी क्या होता है वो पूजा है। और ये देखो यहाँ की डॉग्स की जो नॉर्मल हाइट होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ और बॉडी पॉस्चर काफ़ी तगड़ा। अभी हम जा रहे हैं एक शांत लोकेशन की तरफ जहाँ पे हमें बहुत सारे नेचर का देखने का फ़ायदा मिलेगा। सिरखा में गांव के लोग अपनी मवेशियों को अपने घर से थोड़ा सा दूर ही रखते हैं। अब इसका बिहाइंड द रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, बट घर की लोकेशन और गांव थोड़ा सा उधर पे आया हो, आपको दिख रहा हो शायद, बट जो गौशाला और ये ऊपर गाय के बिछाने के लिए ये पत्ते हैं, और नीचे गाय रहती है इसी के। ये देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे मवेशिया रखे गए हैं, काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन, बड़ा लंबा बन रहा है। देखिए ये एक नेचुरल सीढ़ी है जो कि गांव के लोगों द्वारा बनाई गई है, एक ही पेड़ के, और यहां से आप सिरखा का लोकेशन देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी शांत ये नज़ारा देखकर आपका दिल, ये है आई लव सिरखा, बट यहां पे ए मिसिंग है तो ए की जगह पे अभय खड़े हुए हैं, अभय का ए यहां पे लगा दिया गया है। ये वाली फोटो एक ही क्या, एक ही सिरखा विलेज से अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे कुछ एक दो नई लोकेशंस को कैप्चर करने और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने सिरखा गांव को। और तो अभी हम सारे निकल पड़े हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, किसी ने हमें बताया कि आगे कुछ थोड़ा सा एक बैठने का एक स्पॉट जैसा है जहां से आई होप एक अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा हमें। और पीछे से हमारा भाई भी आ रहा है, और गांव की लोकेशन तो काफ़ी बेहतर है और वेदर भी यहां का बहुत अच्छा है। सामने बहुत सारे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ़ के, बट मौसम की धुंध की वजह से आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा, बट बहुत ही नज़दीक यहां पे बर्फ़ के पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। और जो नीचे एक गांव दिख रहा है, ये गांव का नाम है रूंग, और ये भी बहुत एक शांत गांव है। आई होप कि हमें यहाँ भी जाने का मौका मिलेगा भी, और फिर से एक प्लान करके कभी इस गांव में भी एक्सप्लोर करेंगे। नेपाल है ना वो सामने पहाड़, और थोड़ा सा ऊपर जाकर हमें देखने को मिला एक काफ़ी सुंदर सा नज़ारा। आई होप कि कैमरे में कैप्चर हो पा रहा है या नहीं, बट इन रियलिटी ये काफ़ी ऑसम है,
और देखने में ऐसा लगता है कि बस थोड़ा सा ही दूर है, बट ये बहुत ज़्यादा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत दूर है, करीब शायद एक या दो पहाड़ पार करके। यहाँ पे कुछ ट्रैकिंग के वो भी दे रखे हैं इंस्ट्रक्शन, तो अब इन्हें अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं आगे। और ये रास्ता कैसा लग रहा है, अभी बहुत आगे की तरफ जाता है, आई डोंट नो कि ये कितना दूर और जाता है, बट हमें अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है क्योंकि हमें आगे का रास्ता अभी पता नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है। मालपा में भी तो ऐसे आया, ऊपर से पूरा फ्लड आया, सभी साफ हो गया, पूरा साफ हो गया, बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं, बताते हैं वो एक आध आदमी तो फार नेपाल फेंक दिया, एक आध आदमी को तो कैलाश मानसरोवर वाली यात्रा यहीं पे से चलती थी पहले। मामू बताओ ना, मामू हमें बता रहे कि अभी कैलाश मानसरोवर वाली यात्रा जो पहले चलती थी जब मोटर मार्ग नहीं हुआ करता था, तो यही वो रास्ता है जिसमें से पैदल मार्ग यात्रा होती थी। और ये जो आपको मैंने पटल दिखाया था मालपाक कांड में स्वर्गवासियों की पुण्य स्मृति में हरदम आए बढ़ते हैं, तुम्हें याद करते हैं, मांगो आशीष महिपाल मानसिंह पुष्कर सिरखा 1789। ये बहुत ही पुराना है शायद। हाँ, भारत माता की जय। धर्मेटक निर्माता मोती सिंह रदुली देवी। ये सारे यहाँ पर को अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। अब जो सामने आपको दिख रहा है ये एक गवर्नमेंट की तरफ से बनाया हुआ एक होम स्टे जैसा है, जो कि आदि कैलाश वाले यात्रियों के लिए बनाया गया था, बट जब से ये पैदल मार्ग बंद हुआ है तब से बहुत कम लोग ही यहाँ पे स्टे करने के लिए आते हैं, और मुझे तो लगता भी नहीं है कि अभी यहाँ पे कोई आता भी हो शायद। और देख सकते हैं यहाँ पे भी ताला लगा हुआ चारों तरफ, यहाँ पे कोई अभी है नहीं। और लोकेशन जो यहाँ की है काफ़ी अच्छी है, और यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे नज़ारे जो ऊँचे ऊँचे पहाड़ों के दिख रहे हैं। और थोड़ा पीछे की तरफ को हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ नया देखने को मिलता है। और यहाँ पे से देखिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी पीसफुल और एकदम शांत। तो यहाँ पे आपको आगे लगा कैसा लगा बताइए। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, मस्त मस्त। और यहाँ से देखिए आप सामने हमारा सिरखा गांव, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है, और नीचे रूम और सामने ऊँचे ऊँचे पहाड़ बर्फी।